हम लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वसर्वा श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर ने जो आदेश दिए थे उनका आदेश का पालन करते हुए आज अपर जिला अधिकारी को हमने निवेदन दिया है। निवेदन देते वक्त जो जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे वो सब कार्यकर्ता यहाँ है, सोशल डिस्टेंस रख के, शारीरिक अंतर रख के, मुँह मास्क बांध के हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद अभी पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, मतलब हम जिसके लिए दाद मांगने यहाँ आए थे वही पुलिस आज हमें इस पे अरेस्ट कर, मतलब हम पे गुनाह ये कर रही है। हमारी मांग यह है कि यहाँ के जो बौद्ध है, यहाँ के जो मागास वर्गीय है, यहाँ पे जो भटके है, इन लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए, इन पे अत्याचार होना नहीं चाहिए। इसके लिए ये आज का आंदोलन का प्रोग्राम था, पर ये कोविड के वजह से हमने ये आंदोलन का प्रोग्राम कम से कम लोगों में यहाँ आके हमने हमारा निवेदन सिर्फ दिया है। ये निवेदन में हमने मांग की है जहाँ जहाँ ये दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए, बस इतनी ही मांग हमारी थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपने कहा कि उनको आप लोगों को अरेस्ट करने का ये आया है, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? उन लोगों को मतलब पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पे कोई भी आंदोलन करने का आज की तारीख में ये नहीं अनुमति नहीं है और वो हमको इस तरीके से बोल दिए है, पर हम ये बोल रहे हैं कि हमने आंदोलन ही नहीं किया, सिर्फ हम हमारी मांगे लेके यहाँ आए थे। उसमें हमारी जो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर है, इन्होंने जो हमें आदेश दिया था कि जितने अपने जिलाधिकारी है, जो उप जिलाधिकारी, उनको जाकर लेटर देना है आपको, और जो आज शेड्यूल कास्ट बौद्धिस्ट और इधर मागास्वर्गीय के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट हम वंचित बहुजन आघाड़ी आज आंदोलन कर रही है। इसको ऐसे हम लोगों ने आज उनको निवेदन दिया है कि ऐसा अत्याचार हमारे समाज के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। जी देखिए, जो महाराष्ट्र में एक 5 से 6 घटनाएं घटी है जो बौद्ध समाज के हैं, पिछड़े हैं, मागास वर्गीय है, अल्पसंख्यक है, जिनके ऊपर रोज आए दिन अत्याचार हो रहे, जो भी है जात पात का जो मामला नहीं होना चाहिए। हम लोग एक पुरोगामी महाराष्ट्र में रहते हैं और पुरोगामी महाराष्ट्र में ये सब चीज़ हो रही है तो इससे बड़ी लज्जा देने वाली और कोई घटना नहीं है। तो इसके ऊपर हमारे जो पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब, उन्होंने हमको बोला था कि ये कोविड को ध्यान में रख के, कोरोना को जो महामारी, इसको ध्यान में रख के आप ये निवेदन देना चाहिए और शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग ने आज अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी है वहाँ पे हम लोग ने निवेदन दिया है कि ये जो घटनाएं घट रही है आप पुलिस प्रशासन को बोल के या तो शासन को, महाराष्ट्र शासन को बोल के, ये घटना को, हमारा जो मैसेज है ये घटना रोकनी चाहिए, ये मैसेज उन तक पहुँचाए, ऐसा हम लोग ने निवेदन दिया है। हम बस अभी हमारा जो आदर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि आज हर जिला में, तालुका में, तालुका कलेक्टर, जिलाधिकारी, उनको जाके आप निवेदन दे दो, इस माध्यम से आंदोलन हमने यहाँ पे किया है। अभी पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमने आंदोलन किया, जबकि हमने पुलिस प्रशासन के अनुसार संविधान के दायरे में रहकर हमने सिर्फ 4 जनों ने जाके निवेदन जिलाधिकारी इनको दिया है। और हमारी ये मांग है कि जो भी अभी अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे वो तुरंत रुकने चाहिए और जो कर रहे अत्याचार उन पर शासन होना चाहिए। बस यही संदेश आप मुख्यमंत्री प्रशासन इनको देकर वो तुरंत रुकवाए, ऐसी हमने मांग की है।